आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी माइग्लैम की लिपस्टिक्स परचेज की थी और वो इतनी वंडरफुल थी कि मैं खुद को आपको उनको दिखाने से रोक ही नहीं पाई। सो हियर आर दीज ब्यूटीफुल कलर्स। मैंने 7-8 शेड पिक करी हैं और वैसे आज आपको मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा बेयर फेस, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके साथ धोखा हो। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लिपस्टिक्स मेकअप के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं, पर जब अपन बेयर फेस ट्राई करते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। पर एज यू कैन सी कि मैं बेयर फेस हूँ ऑलरेडी। अपन जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसे ही रहते हैं, बहुत ही थोड़ा सा टचअप करते हैं, कुछ टेंटेड क्रीम्स लगा लेते हैं, कोई भी ऐसे पूरा मेकअप करके बाहर नहीं जाता है। तो मैं चाहती थी कि आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट और रियलिस्टिक दिखे कि कैसे लिपस्टिक लगती हैं। ठीक है, मेरे थोड़े से पिगमेंटेड लिप्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी एक्ने भी हैं अभी भी, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही बाहर जाती हूँ जनरली, पर थोड़ा सा एक टिंटेड सनस्क्रीन लगा लेती हूँ तो लिपस्टिक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ नहीं लगा रखा है ना होठों पे ना शक्ल पे, तो अगर मेरे पे अभी वो लिपस्टिक अच्छी लगेगी तो मतलब अगर आप मेकअप करेंगे तो वो बवाल लगने वाली हैं। तो मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाली हूँ और लिपस्टिक स्वाचेस भी करके दिखाऊंगी और लिप्स लगा के भी दिखाऊंगी कैसी हैं। अगर ये सबसे इंटरेस्ट का है और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लिपस्टिक। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये। अगर पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह की किसी कुछ पैकेजिंग आती है, इतनी बड़ी लिपस्टिक आती है। आई थिंक 3.6 ml इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है। दिस इज इन द शेड स्विंगर। इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली और अच्छे से अप्लाई हो जाती है मैजिकली। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बस हाँ, थोड़ा और स्टिफ होना चाहिए इसका एप्लीकेटर, क्योंकि ना इससे लिप्स से बहुत टिकलिंग होती है, गुदगुदी होती है। लिप्स को बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करती है, पर लिक्विड लिपस्टिक है तो थोड़ा सा तो ड्राई करती है। ट्रांसफ़र प्रूफ है एकदम, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। इजली 5 to 6 hours स्टे करती है। बहुत ही अच्छा वाटरी फॉर्मूला है और लिप्स पे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है। मतलब पता नहीं लगता होठों को कि आपने कुछ लगा रखा है लिटरली। तो यस, ओके गाइस, तो एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बतानी है कि मैंने इतनी सारी ये लिपस्टिक्स ना सिर्फ और सिर्फ 200 or 250 रुपीज़ में मंगा ली हैं, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ कूपन कोड एक लिंक, यस, और उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ 1 rupees में इतनी सारी ब्यूटीफुल लिपस्टिक्स मिल जाएंगी। 2 or 3 लिपस्टिक्स आप मंगा सकते हैं। यू हैव टू पे जस्ट अ डिलीवरी चार्जेस, जो कि आई थिंक 99 or 200 rupees हैं, और वही मेरा कॉस्ट हुआ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 200 or 250 में मैंने इतनी सारी लिपस्टिक मंगा ली हैं। तो आप भी को मंगा सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब अपन बढ़ते हैं इसके स्वाचेस की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी मुझ पर लगती है। लेट्स गो। Hi guys, here I am, Voice Over Viplavi. So this is my the most favorite shade. I love this shade personally क्योंकि ये everyday wear है, बहुत ही अच्छा color है, orangish tone है थोड़ा इसका, brown और orange का mix सा कुछ है, पर बहुत ही अच्छा combination है। मैं इसे झटपट लगा के निकल जाती हूँ, ज़्यादा second thought लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिपस्टिक का formula is प्रिटी गुड और एकदम ही स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, कहीं भी नहीं जाती है, वैसलिन से ही होठों से हटेगी ये, वैसलिन ऑयल से, ट्रांसफ़र प्रूफ है। सो आई लव दिस कलर। सेकेंड कलर, इस शेड का नाम है कपकेकी। बहुत ही अच्छा पिंक शेड है, पर आई मस्ट से कि ये मेरे स्किन टोन से ज़्यादा डस्की स्किन टोन को सूट करता है। मैंने मेरी सिस्टर पे अप्लाई किया था, थोड़ा सा मॉविश कलर ये लग रहा था, अदरवाइज मेरे ऊपर ये थोड़ा पिंक लग रहा है। ठीक है, पिंक पर थोड़ा सा इसमें टिंट है, आई थिंक रेड का और मैरून का। काफ़ी अच्छा शेड है, पर थोड़ा सा कोरियनिश शेड है। अगर आप के ड्रामास देखते हैं, उनके फ़ैन हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे, वहाँ पे हीरोइन जनरली ऐसा ही कलर लगाती हैं। तो यार काफ़ी अच्छा है, आई लव दिस शेड। सो यस, द नेक्स्ट शेड इज़ द डेटर व्यू।
काफ़ी अच्छा ब्रिक ब्राउन शेड है। मैंने कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं लगा रखी है, सीधा मैं सनलाइट में जो नेचुरल लाइट है उसमें वीडियो बना रही हूँ। बस एक ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है मैंने, एंड दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स लाइक। थोड़ा सा इसमें ब्रिक रेड का हिंट है, पर इस पर ब्रिक ब्राउन लिखा आता है जब अपन साइड पर देखते हैं। काफ़ी अच्छा शेड है, अगेन डस्की स्किन टोन को भी बहुत ही ज़्यादा फ्लैटर करता है, बहुत अच्छा लगता है उनकी स्किन पे, और मेरी स्किन पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम से इसने मेरा फेस अपलिफ्ट कर दिया इस कलर ने। सो या, बहुत ही अच्छा शेड है, जरूर चेक दिस आउट। ओके गाइज, हियर इज़ द नेक्स्ट शेड, इसका नाम है थैंक यू नेक्स्ट। काफ़ी अच्छा शेड है, पर ये है उनकी वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक वाली रेंज में से। ओके, सो ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, पर ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। इट डज़ ट्रांसफ़र अ लिटिल, और इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी क्रीमी और जूसी से आप देख सकते हैं। ये एकदम मैट फिनिश नहीं देती है, थोड़ा सा मेरे लिप्स पे शाइन है, तो इसी तरीके का रहता है ऑल डे, पर ये हटती है लिपस्टिक। पर काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, फील्स वेरी लाइट ऑन लिप्स। सो या, आई लव दिस कलर, पर मुझसे ज़्यादा ही डस्की स्किन टोन पे अच्छा लगता है। सो हियर इज़ द नेक्स्ट शेड गाइज, इसका नाम है लाइक अ G6। काफ़ी अच्छा प्यारा पीची पिंक शेड है, अगेन अ कोरियनिश कलर। काफ़ी कोरियन पॉप स्टार्स और एक्ट्रेसेस इसे लगाती हैं। मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ इतना बोल्ड कलर लगाना, या नॉट एवरी डे वियर कलर, तो थोड़ा सोचना पड़ता है लगाने से पहले, पर काफ़ी प्रिटी है। अगर कुछ पिंक वियर कर रखा है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, पर डस्की स्किन टोन पे इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे जैसे स्किन टोन है या एक शेड लाइटर है तो यू कैन गो फॉर दिस कलर, अदरवाइज फॉर्मूला इज़ वेरी नाइस, वही लिक्विड मैट वाली रेंज है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। गॉड गाइज, हियर इज़ द नेक्स्ट शेड एंड इट्स नेम इज़ घोस्टेड। आई एम इन लव विद दिस कलर, आई डोंट नो वाई, क्योंकि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सच शेड, और मैं प्रिफर भी नहीं करती हूँ ऐसे भड़कीले कलर्स, पर आई डोंट नो, मुझे शेड बहुत अच्छा लगा। सो या, पता नहीं मैं इसे कब कहाँ कैसे लगा पाऊँगी, पर मैं डेफिनेटली इसे लगाने वाली हूँ। और ये बस मैंने ऐसे ही पिक कर लिया था, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था कि ये कलर मुझे इतना अच्छा लगेगा, पर डस्की स्किन टोन पे डस लुक बॉम, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पे जितना भड़कीला लग रहा है उतना नहीं लगता है। सो या, सो या गाइस, हियर इज सम ट्यूटोरियल कि मैं कैसे अपना लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं पहले एप्लीकेटर पे से सारा लिपस्टिक पूछ देती हूँ, उसके बाद लिप्स पे अप्लाई करती हूँ। तो जो भी आप शेड देख रहे हैं ना, वो थोड़े डार्क लग सकते हैं अगर आप उनको वैसे अप्लाई ना करें जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही लिक्विड लिपस्टिक को हटा देती हूँ फिर अप्लाई करती हूँ। हियर इज़ अ वेरी प्रिटी कलर, इसका नाम है होम्स, शर्लॉक होम्स वाला होम्स। काफ़ी अच्छा शेड है, अगेन कोरियनिश कलर है। पता नहीं क्यों मैंने इस बार ऐसे कलर पिक कर लिए, मेरे वैसे वैनिटी में बिल्कुल भी ऐसे कलर नहीं थे, तो अच्छा दो तीन ऐसे भड़कीले कलर भी होने चाहिए। लाइक अ G6 और होम में से आपको एक ही पिक करना अगर आप इन कलर के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि 19-20 का डिफरेंस है, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने अलग अलग शेड लगा रखी है। सो यस, पर काफ़ी अच्छा कलर है, ये कलर डस्की स्किन टोन में भी अच्छा लगता है, पर अप्लाई इट विद अ लिप लाइनर। सो या, सो हियर आई एम शोइंग यू हाउ यू कैन रिमूव दीज लिपस्टिक्स। अप्लाई सम वैसलीन ऑल ओवर योर लिप्स अच्छे से, फिर कॉटन पैड लेके एक तरफ से दूसरी तरफ से पूछो ताकि फैले नहीं और बंदर ना बनो, काफ़ी अच्छे से हट जाते हैं। और आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है यार, होंठ बिल्कुल ही चैप्ड हो गए मेरे, बट यस मज़ा आएगा। ओके गाइस, सो हियर इज अनदर वेरी वंडरफुल शेड नोन एज कफिंग, काफ़ी अच्छा कलर है। लुक एट दिस मजेंटा काइंड ऑफ पिंक, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी पिंक है, एकदम ही इसे बॉम पिंक भी कह सकते हैं, वैसे इसका नाम कफिंग है, ठीक है, मैंने खुद से इसके इतने सारे नाम दे दिए हैं। काफ़ी अच्छा शेड है, इसके स्वाचेस नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये लिपस्टिक मैंने मेरी मासी के लिए ऑर्डर की थी, क्योंकि आपको पता है मेरा टेस्ट थोड़ा ऐसा नहीं है, पर मेरी मौसी को ऐसे चटक कलर्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है हर स्किन टोन पर, डस्की स्किन टोन पर भी अच्छा लगेगा।
सो या अगर आपको ऐसा शेड पसंद हो तो आप ले सकते हैं। ओके गाइस, सो हियर आई एम अगेन विद अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इट्स नेम इज सबमरीनियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे लिपस्टिक्स के नाम भी याद हो गए हैं। काफ़ी अच्छा पर्पलिश कलर है, पर्पलिश और वाइन सॉर्ट ऑफ मिक्स कलर है। बहुत ही अच्छा लगता है, सुपर्ब लगता है डस्की स्किन टोन पे, मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है उन पे। सो या ये भी मेरी मौसी ने मंगाया था, इसलिए इसका स्वाचेस नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये लिपस्टिक मैं ऑलरेडी अपनी मौसी को डिलीवर कर चुकी हूँ। सो या ओके गाइस, सो हियर आई एम विद द लास्ट एंड फाइनल बट अ वेरी इनक्रेडिबल शेड DM स्लाइड। काफ़ी अच्छा कलर है, देखने में थोड़ा सा रेडिश लग रहा है पर थोड़ा मैरून है क्योंकि कैमरे का भी फ़र्क पड़ता है, 19-20 का कलर का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और आपने देखा था मैं कितना थिन लेयर अप्लाई करती हूँ, तो लिपस्टिक का शेड और मेरे होठों पे जो शेड है वो थोड़ा सा अंतर है। अगेन मेरे पे थोड़ा रेड लग रहा है पर डस्की स्किन टोन पे कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, आई मस्ट से दैट। सो या काफ़ी अच्छा शेड है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। That is it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी शेड समझ आई होंगी। वैसे तो इनका ओरिजिनल MRP is 345 या 349 rupees, but you can get this in just ₹1. So don't forget to check out the description box below. वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी जहाँ से आप इन्हें ₹1 में ग्रैब कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पे द शिपिंग चार्जेस। सो यस, मैंने जब वीडियो बनाना शुरू की थी तब काफ़ी अच्छी लाइटनिंग थी, नेचुरल लाइट आ रही थी, पर अब आंधी तूफान आने लग गया है तो थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया है वीडियो का। So let me know your favorite shade. So don't forget to comment down below. Comment box में बताना कौन सा shade आपको सबसे अच्छा लगा। So yes, मिलते हैं आपसे next video में। Till then, be safe, be positive and do not forget to like. Thank you all so much. Sarangi. Bye.